कांगड़ा जिला के जवाली में बुधवार को पठानकोट एयरवेज का मिग 21 विमान क्रैश हो गया। हादसे में पायलट का कुछ पता नहीं चल पाया है। जिला प्रशासन व पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू कर दिया। पायलट ने विमान को लेकर पठानकोट एयरवेज से उड़ान भरी थी, लेकिन कुछ देर बाद ही मिग 21 का एयरवेज से संपर्क टूट गया और जवाली के पट्टा जातिया में क्रैश हो गया। क्रैश होते ही विमान का मलबा खेतों में दूर तक फैल गया। एसपी संतोष पटियाल ने बताया कि सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। अभी अभी मिली हमें सूचना कि ज्वाली पुलिस स्टेशन के एरिया में पट्टा जटिया करके जगह है, वहां पे कोई प्लेन क्रैश हो गया है। एयरफोर्स ऑफिसर से हमने पठानकोट में कॉन्टैक्ट किया है, तो उससे पता लगा है कि ये मिग 21 जो प्लेन था वो पठानकोट से टेक ऑफ किया था और उसके बाद इसका कॉन्टैक्ट जो है वो उनके वहाँ से जो उनका सिस्टम से टूट गया था। कभी पुलिस और बाकी वहाँ पे पहुँच गए हैं स्पॉट पे, आग बुझाली गई है, लेकिन जो इसका प्लेन का मलबा है वो काफ़ी एरिया में स्कैटर्ड है और एक ही पायलट इसके अंदर थे, उसमें उनके लिए खोज जो है जारी है। सर, जहाँ गिरा है वहाँ कोई किसी तरह के हताहत होने या किसी के चोट लगने की बाकी किसी को चोट नहीं लगी है, पायलट को हम लोग खोज रहे हैं। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए धर्मशाला से ब्यूरो प्रभारी पवन शर्मा और फतेहपुर से सुरेंद्र मिन्हास की रिपोर्ट।